हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का रिजेक्ट लिस्ट हम कैसे देख सकते हैं। कहीं आपका नाम तो रिजेक्ट लिस्ट में नहीं आ गया है, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर देना है और आपको सर्च बार में सर्च कर देना है PMAYG.NIC.IN। इतना आपको लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा, तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आवास ऑप्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जाना है, तो आपको यहाँ पे डी सेक्शन में देखने को मिलेगा GIS रिपोर्ट। पहले नंबर पे जो देखेगा स्कीम वाइज एंड इंस्पेक्शन लेवल वाइज स्टेटस ऑफ मोबाइल ऐप डेटा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है, तो यहाँ से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ही रहने देना है। यहाँ पे आपको ऑल रहने देना है और ऑल स्टेट पे आपको क्लिक करना है। ऑल स्टेट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सभी स्टेट का नाम दिखाई देगा, तो आपको यहाँ से अपना स्टेट का नाम सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप स्टेट का नाम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से नीचे जाना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम हो उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नीचे यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अपना तहसील ब्लॉक सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से नीचे जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने गांव का नाम सिलेक्ट कर देना है। गाँव का नाम सिलेक्ट कर देने के बाद आपको फिर से थोड़ा लोडिंग लेगा, तो आपको यहाँ पर फिर से नीचे जाना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट इमेज स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रिजेक्ट पे क्लिक कर देना है। रिजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो दिया है कैप्चा, इसको आपको सॉल्व कर देना है और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जाना है, तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे रजिस्टर नंबर, हाउस स्टेटस और वेरिफिकेशन स्टेटस, तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस में देखने को मिल जाएगा रिजेक्ट लिखा होगा। जिनका भी रिजेक्ट में नाम होगा उनका जो रजिस्टर नंबर होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हाउस स्टेटस में देखने को मिलेगा हाउस स्टैटिक नॉट प्लेंथ, यहाँ पे आपको जो भी स्टेटस होगा हाउस का वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है, कहीं आपका नंबर यहाँ पे आ तो नहीं गया है। अगर आपका नंबर यहाँ पे है तो आपका जो भी एप्लीकेशन था प्रधानमंत्री आवास योजना का वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आपका नंबर यहाँ पे नहीं है तो आपका सक्सेसफुली एप्लीकेशन हो चुका है। तो ऐसे अगर आप चेक करना चाहते कि कहीं आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में तो नहीं आ गया है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।